नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति संभाग। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। माँ शैलपुत्री की पूजा आज होती है और इसी के साथ 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिहार में है और इस मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर बंदी है, प्रतिबंध है। आखिर क्यों महिलाएं इस मंदिर में नहीं जा सकती, चलिए आपको बताते हैं। यह मंदिर जो है ईसा 300 वर्ष पूर्व का, जसोवर्मपुर नाम के एक राजा थे, वही स्टार्ट किए और वही इस मंदिर को निर्माण करवाए। उसके बाद महिलाओं के इसलिए वर्जित है कि यहाँ तांत्रिक पूजा होती है, तो तांत्रिक पूजा में महिलाओं का वर्जित है। पिछले साल से ये परंपरा चली, ईसा 300 वर्ष पूर्व से जी प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से होता है। और जिस मनोकामना लेकर जो व्यक्ति आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्त तीन देखा है तैसे। नवरात्रि में जी नवरात्रि में ही स्त्रियों के लिए वर्जित है। ऐसे तो सब दिन पूजा होता है, खास करके मंगल को यहाँ अधिक भीड़ लगता है। जिनकी जो अभिलाषा रहती है ना वो पूर्ण हो जाती है। जिस अभिलाषा से आप आए, जिस आशा से आए, तो आशा पूर्ण हो गया, इसलिए उनका नाम आशा महारानी रखा गया। वर्जित देखिए उसका दो कारण है। स्त्री लोग मासिक धर्म भी होता है तो अपवित्र माना जाता है, इसलिए भी कि अपवित्र लोग तो यहाँ नहीं ना सकते हैं, इसलिए भी वर्जित किया गया है। कब से ये परंपरा चल रही है? तो वही 300 वर्ष पूर्व से ही चल रहा है। श्रद्धालु आते हैं कहाँ कहाँ से? बहुत, माने कहा जाए तो बिहार राज्य अलावे तो इसे नेपाल से भी, हिंदू देश हो गया वहाँ से भी लोग आते हैं। देव यहाँ से जो लोग आते हैं देवघर से यहाँ भी लोग पहुँच जाते हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश प्रसाद सिंह।